फाइनली बाबर आजम ने इस वक्त ऐलान कर दिया है, अपनी खामोशी तोड़ दी है। शर्जील खान और मोहम्मद आमिर को लेकर काफी ज्यादा लोग बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी ये चीजें कि बाबर आजम शायद खुश नहीं है उनको टीम में लेकर आने के लिए, लेकिन अब फाइनली उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, हर प्लेयर की अपनी रिस्पेक्ट है और अगर उन्होंने कम बैक करना है तो वो अपनी परफॉर्मेंस से और टीम मैनेजमेंट और सारी चीजें देखकर वो टीम में वापसी कर सकते हैं। मुझे एज अ कैप्टन कोई इशू नहीं है, मुझे वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो कि बेहतर तरीके से टीम के लिए परफॉर्म कर सके। और इस वक्त आपको पता है कि बाबर आजम जो इस वक्त कराची को छोड़कर पेशावर जलमी की कैप्टेंसी संभाल चुके हैं और एक राइवलरी जो क्रिएट हो रही है, पहले तो लाहौर की और कराची की तो होती होती थी, अब मोहम्मद आमिर और बाबर की हो रही है। मोहम्मद आमिर ने भी कुछ बयान दिए हैं, उनका इंटरव्यू भी काफी ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैंने कोई वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देना नहीं है बाबर आजम को। जब उनसे पूछा गया मोहम्मद आमिर से कि भाई आपके सामने अब बाबर आजम आने वाले हैं, पहले आपकी टीम में थे, अब फाइनली वो आपके अगेंस्ट खेलने वाले हैं, तो क्या कोई प्लान है उनके खिलाफ? आपने क्योंकि विराट कोहली को भी बेहतरीन तरीके से आउट किया हुआ है और अब बाबर आजम जो है इस वक्त नंबर वन बैट्समैन की दौड़ में शामिल है और इस वक्त सेंसेशन बने हुए हैं करंट क्रिकेट में, तो क्या आपके जहन में कोई प्लान है? तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे जहन में सिर्फ यही प्लान होता है कि मैंने अच्छी गेंदबाजी करनी है, लाइन और लाइन से करनी है, मेरे सामने अगर बाबर है तो मुझे ये नहीं फर्क लगता, मैं यही सोच के बॉलिंग करूंगा कि शायद कोई टेल एंडर मेरे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली बड़े प्लेयर को बॉल करते वक्त काफी ज्यादा सूझबूझ की जरूरत होती है, क्योंकि अगर पावर प्ले में गेंदबाजी करनी है तो डेफिनेटली वो आपके लिए ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करें, क्योंकि अगर दो बाउंड्रीज पावर प्ले में या एक ओवर में मिल जाती है तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बॉलर के एंड पर। ऐसा कहना था बाबर आजम के बारे में मोहम्मद आमिर ने। और बाबर आजम से जब पूछा गया कि मोहम्मद आमिर और शर्जील खान के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा कि मुझे पर्सनली उनसे कोई ग्रज नहीं है, कोई इशू नहीं है, मेरे लिए सारे टीम मेंबर्स हैं, मैं एज अ टीम कैप्टन ये चाहता हूं कि मेरे टीम के लिए वो लड़के खेलें जो कि परफॉर्म कर सके, अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है और मैनेजमेंट चाहती है कि वो जनाब शामिल हो टीम में तो डेफिनेटली मुझे कोई इशू है नहीं है। ये बातें जो है जनाब काफी ज्यादा इस वक्त हाइप क्रिएट हो रही है। आपको पता है कि कराची और पेशावर का मुकाबला होने वाला है, कांटेदार आमिर बॉल करेंगे और बाबर आजम सामने होंगे, तो दोस्तों देखते हैं कि ये बैटल कौन जीता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से एक दफा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि फाइनली आप लोगों तक PSL 8 की तमाम रिपोर्ट्स जो है पहुंचती रहे।